हेलो दोस्तों, आपने एक टर्म सुना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है? आप काफी बार कंफ्यूज होते होंगे कि किसी ने कहा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से यहाँ पर काम करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कोई मतलब नहीं बनता। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप या स्विंग कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसी के बेस पे यहाँ पर स्टॉप लॉस भी डिसाइड किया जाता है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब क्या है कि एक ऐसी रिस्क लिया जाए कि एक रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आए। मतलब अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कि आप 30 रुपये रिस्क लेंगे या आप 50 पैसे रिस्क लेंगे। ओके, इसका आप 1 रुपये पे 1.5 रुपये या 2 रुपये तो रिस्क नहीं लेंगे। अगर ये लेंगे तो एक बेवकूफी होगी। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स, एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा उतना ही रिस्क लेता है जितना वो बियर कर सके। तो इसलिए हमेशा याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जब बात की जाती है तो रिस्क हमेशा कम लिया जाता है, और ताकि उसमें रिवॉर्ड ज्यादा मिल सके। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो का जब टर्म आए तो याद रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो या तो 1:2 में या 1:3 में होना चाहिए। या तो आप 1 रुपए पे 33 पैसे का रिस्क लीजिए, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पैसे का रिस्क लीजिए। इतना ही रिस्क लीजिए, इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिए। याद रखिए, यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। इसी पे आप अगर काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। और ऐसी वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।